गुड मॉर्निंग प्रेप क्लास, आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ओके? और आज का टॉपिक है अनुस्वर, ठीक है? ये जो है अनुस्वर, अनुस्वर ये जो है ना अंग की मात्रा, जो नाक से इसकी साउंड होता है, थोड़ा सा नाक से आपको साउंड लगाना पड़ता है। क्या है ना अनुस्वर, जब कोई शब्द हम बोलते हैं उसकी जब प्रोनाउंस होता है ना, आपको वो अच्छे से ध्यान में सुनना चाहिए जी, वो नाक की आवाज़ कौन सी अक्षर के बाद वो आ रहा है, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर है आपकी इस बुक्स में, जो पिक्चर है देखो, ये क्या है, ये पंख है। देखो पंख मतलब पौ के पीछे एक नाक की साउंड आ रहा है, पंख। तो वो जो नाक की साउंड मतलब वो अंग की मात्रा वहाँ पर लगेगा, जैसे पंख, तो पौ के पीछे आपको अंग की मात्रा लगा के तब तो उसकी साउंड आ जाएगा पंख, फिर ख पंख, ओके? फिर ये क्या है, डंडा, मतलब डंडा मतलब अंग की मात्रा किसके पीछे आ रहा है, ड के पीछे, तो ड अंग की मात्रा, ड आ की मात्रा, तो हो गया डंडा। ये क्या है, घंटा, देखो घ के पीछे अंग की मात्रा आ रहा है, मतलब नाक की जो आवाज़ आ रहा है ना, तो किसके पीछे, घ के पीछे, तो घ अंग की मात्रा घन, फिर ट आ की मात्रा घंटा, ओके? फिर क्या है ये, बंदर, देखो आप अच्छा से बोलो, आप इसको प्रोनाउंस करो, घंटा, तो घ के पीछे अंग की मात्रा लगा के आपको बोल रहा है, तो जैसे घंटा आपने बोला, ठीक सेम टू सेम इसको बोलो बंदर, तो मतलब ब के पीछे अंग की मात्रा आप बोल रहे हो, तो फिर उसकी आवाज़ बंग हो रहा है, तो बंदर, तो अंग की मात्रा किसके पीछे आ रहा है, ब के पीछे, तो बंदर, ओके? नाउ नेक्स्ट क्या है ये, गंगा, तो किसके पीछे सुन रहे हो आप, अंग की मात्रा ग के पीछे, तो ग के पीछे अंग की मात्रा लगाया, फिर ग आ की मात्रा, तो हो गया गंगा। जब आप वर्ड लिखोगे ना, इसका जो अंग की मात्रा मतलब एक डॉट होता है जो ऊपर में लगता है, और जिस अक्षर के पीछे आप आवाज़ सुन रहे हो उसी अक्षर के ऊपर वो लगाना है, गंगा, ओके? अब ये क्या है, झंडा, तो झ के ऊपर लग रहा है, तो झंडा, तो झ अंक की मात्रा, ड आ की मात्रा, तो हो गया आपका झंडा, ओके? यहाँ पे कुछ अनुस्वर वाला कुछ शब्द है, जैसे रंग, भंग, तंग, पंख, डंक, झंडा, घंटा, कंधा, कंठ, गंगा, चंदन, बंदर, सुगंध, मंगलवार, नंदनवन, गंगाजल, पंचशील। तो ये जो जितना भी वर्ड हमने अभी पढ़ा, ये सारे अंग की मात्रा वाला, आप जब इसको अच्छा से मतलब प्रोनाउंस करके आप पढ़ोगे, तो आपको ध्यान एकदम क्लियर होना चाहिए जे ये अंग की मात्रा कौन सी अक्षर के पीछे आपको लगाना है, या कौन सी अक्षर के पीछे ये आवाज़ आ रहा है, ओके? नाउ नेक्स्ट आता है कुछ सेंटेंस जो अंग की मात्रा वाला है, मंदिर में पंडित जी घंटा बजाते हैं, मंदिर के ऊपर लाल रंग का झंडा लेकर बंदर बैठा है, उसके बाद रंग बिरंगी झंडियाँ सुंदर लग रही है। नेक्स्ट है, संत महंत वंदना कर गंगा में खड़े होकर शंख बजा रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्या है, अंग की मात्रा वाला कुछ सेंटेंस, तो आपको भी अच्छा से घर पे इसको रीड आउट करना है, ओके? नाउ आता है इसके एक्सरसाइज, निम्न शब्दों में अनुस्वर लगाकर लिखो, कहाँ पे आपको अनुस्वर लगाना है ये आपको लगाना है, ओके? अनुस्वर लगा के फिर से आपको उस वर्ड को लिखना है, जैसे ये क्या है, पंजाब लिखा है, तो कहाँ पे लगेगा, इसका वर्ड मेनली क्या होता है, पंजाब, इसको कैसे बोलते हैं, पंजाब, मतलब पौ के ऊपर आ रहा है आवाज़, पन फिर जब, ये हो गया पंजाब, ओके? फिर क्या है, मंदिर, म के पीछे आपको सुनने में आ रहा है, तो म अंग की मात्रा, फिर द इकी मात्रा, र मंदिर, हो गया। ये क्या है, चंद्रमा, मतलब चौक के बाद आपको अंक की मात्रा सुनने में आ रहा है, तो चंद्रमा, च अंक की मात्रा, द्र फिर मा, चंद्रमा, ओके? फिर ये क्या है, नारंगी, 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 मतलब देखो ये कहाँ पे आवाज़ आ रहा है, रंगी, मतलब र के बाद आपको आवाज़ आ रहा है, तो ना रंग, ये अंक की मात्रा, फिर गी, नारंगी, ओके? नाउ नेक्स्ट क्या है, पंडित, मतलब पौ के बाद आपका अंक की मात्रा आवाज़ आ रहा है, तो पौ के बाद आप यहाँ पे, फिर डित,
पंडित। ओके, तो ये आपका इसी बुक के अंदर ही फिलअप करोगे। ओके, और नोटबुक में क्या करना है, नोटबुक में मैंने यहाँ पे अनुस्वर की मात्रा वाले यहाँ पे शुद्ध शब्द लिखना है। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा अनुस्वर की मात्रा, आपको ऐसा करके लिखना है। मतलब मैंने इसको तोड़ के लिखा, फिर इसको जोड़ के आपको एक शब्द बनाना है। एग्जाम्पल भी ऐसा आ सकता है, भाई इसकी उल्टा भी आ सकता है। मतलब आपको मैंने पंख लिख दिया, आपको इसको तोड़ के लिखना अलग अलग, कहाँ पर कौन सा आ की मात्रा, ई की मात्रा, अंक की मात्रा, इसको अलग अलग लगाना है। जैसे प अंक की मात्रा, ख क्या हो गया जोड़ के पंख, ड अंक की मात्रा, ड आ की मात्रा हो गया डंडा, घ अंक की मात्रा, ट आ की मात्रा हो गया घंटा, ब अंक की मात्रा, द र हो गया बंदर, ग अंक की मात्रा, ग आ की मात्रा हो गया गंगा, झ अंक की मात्रा, ड आ की मात्रा हो गया झंडा। तो ऐसा आपको अच्छा से रीड आउट करना है, ये सब नोटबुक में करना है। नोटबुक में और क्या करना है, आपके अनुसार मात्रा वाला कुछ शब्द आपको यहाँ पे खुद लिखना है, जो कि बुक्स में दिया है उसको पहले आप रीड आउट करोगे, लर्न करोगे, उसके बाद आप इसको लिखोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है, क्या है आपका विसर्ग। विसर्ग जो आपका जो स्वर पड़े हो, आह मतलब अंग से अंगूर, फिर आह आह खाली, हम जो बोलते हैं ना विसर्ग, तो विसर्ग क्या है ना, दो डॉट की होती है। ये किसी किसी ये सारे वर्ड्स के पीछे लगते हैं, ठीक है, ये बीच में आता है, जहाँ पे इसकी आवाज़ सुनते हैं आप, हमको उसी स्थान पे वो डॉट लगाना है। डॉट का मतलब वो विसर्ग है, मतलब आह ये आवाज़ इसका आता है। जैसे दुख, मतलब दुख मतलब एक आवाज़, एक हवा छोड़ रहे हो, एक सांस आप छोड़ रहे हो, फिर ख को बोल रहे हो, तो हो गया आपका दुख। मतलब दुख के दो, फिर ऊ की मात्रा, फिर ये और एक मात्रा विसर्ग वाला, फिर ख, फिर आ गया आपका दुख। मतलब जहाँ पे आप सांस को छोड़ रहे हो उसी में आपको विसर्ग की मात्रा लगेगा। जैसे प्रातः, देखो एक आह एक छोड़ रहे हो, सांस हवा छोड़ रहे हो, तो मतलब पीछे आएगा प्रातः। सही, एक सेम टू सेम आपको कुछ आपको यहाँ पे वर्ड्स दिया गया है विसर्ग की, जैसे छ, पुनः, नमः, अतः, शयनी, फलतः, कोटिश, अंततः, संभवतः, निःसहाय, साधारणतः, परिणामतः। तो ये जहाँ पे अह मतलब एक मतलब आप एक सांस छोड़ने की आवाज़ जहाँ पे आता है वहाँ पे इस डॉट को लगाते हैं। ओके, जैसे हाथी सनई सनई जा रहा है, प्रातः 6 बजे उठो, पुनः भलाई का काम करो, किसी को दुख मत दो, पुनः सोना ठीक नहीं। तो इसको भी अच्छे से घर पे अच्छे से रीड आउट करोगे। ओके, नाउ आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, कहाँ पे डॉट को लगाना है। जब हम डॉट लगाते हैं ना, किसके बदले में, ह के बदले में, छह, ये जो एक आवाज़ आ रहा है ना ह, तो इस आवाज़ को आपको बदलना है डॉट में, ह को बदलना है डॉट में। जैसे फल तह, तो इसको कैसे लिखोगे, फ ल त, और ह के बदले में ये डॉट आ गया, तो आप लिखोगे फलतः। ये क्या है, अंततः लिखा है, तो अंत तह लिखा है, तो आप कैसे लिखोगे, अंत फिर तह अंततः। ओके, अभी क्या है, इसमें कहाँ लिखोगे, म न, ह के बदले में मनह मना, ठीक है, इसमें मना लिखा है, आप इसमें बोलोगे मना। तो ये ह के बदले में मैंने यहाँ पे डॉट लगाया। ओके, तो ये सब आपको इसी बुक में करना है। और नोटबुक में क्या करना है, नोटबुक में विसर्ग वाले कुछ शब्द है, जैसे द, फिर आया उ की मात्रा, द उ की मात्रा, अह ख हो गया दुख, फिर क्या, प्र आ की मात्रा, त अह की मात्रा तो हो गया प्रातः, फ ल त अह की मात्रा तो हो गया फलतः, अ अंक की मात्रा, त त अह की मात्रा तो हो गया अंततः, ठीक है अंततः, फिर छ और अह की मात्रा तो हो गया छ, प उ की मात्रा, न अह की मात्रा तो हो गया पुनः। तो ये आप आपकी नोटबुक में लिखोगे और ऐसे करके पढ़ोगे,
रीड आउट करोगे। ओके, नेक्स्ट में हमने क्या है, विसर्ग वाले मात्रा हमने कुछ यहाँ पे दिया है जो कि आपको बुक में दिया है। विसर्ग वाली मात्रा वहाँ पे आप अच्छा से रीड आउट करोगे, लर्न करोगे, उसके बाद इसी बुक में पढ़ोगे। ओके, तो आज हमने अनुस्वर और विसर्ग वाला हमने इसको पढ़ा। अनुस्वर जो नाक से होता है और विसर्ग जो अनुस्वर ये होता है ये गला से आवाज आता है, छह ये गला से आ रहा है, नाक से नहीं आ रहा है। लेकिन अंग की मात्रा बंदर पंडित ये नाक से आ रहा है, इसलिए अनुनासिक जिसको बोलते हैं इसको बोलते हैं। तो ये हो गया आपका अनुस्वर और विसर्ग वाला दो मात्राएं। ओके, तो आज हमने क्या सीखा, अनुस्वर और विसर्ग वाले मात्रा कहाँ पे लगना है। पहले आपको शब्द को अच्छे से प्रोनाउंस करना है, उसके बाद आपको अच्छे से ध्यान में रखना है जो कहाँ पे ये मात्रा लग रहा है, सिर्फ उसी अक्षर के ऊपर ये लगता है। अनुस्वर वाला जो मात्रा है अंक की मात्रा ऊपर लगता है और जो अ वाला मात्रा है वो अक्षर के पीछे लगता है। ओके, तो आज इतना ही है, थैंक यू।